पहले पापा ने सही सलामत घर आने का वादा किया, फिर कुछ दिनों बाद शहादत की खबर आती है, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर आता है, और जब तिरंगे में सो रहे जवान के अंतिम दर्शन के लिए निगाहें उठी तो सबका कलेजा कांप गया, रू फाकता हो गया, क्योंकि शहीद का सर ही गायब था। बच्चे, पत्नी, भाई, रिश्तेदार, तमाम लोग अपने जाबाज का चेहरा नहीं देख पाए, और इस बात से शहीदों के परिवारों ने इतना गुस्सा है कि वो रोते हुए भी यही कह रहे हैं कि आप रोएंगे नहीं बल्कि रुलाएंगे। शहीद परमजीत सिंह और शहीद प्रेम सागर, दोनों जाबाज पापा की बेटियां रो रही हैं। पापा जब गुड़िया लाकर देते थे तो ये बेटियां चुप हो जाती थी, लेकिन आज पापा की गुड़िया को कौन चुप कराएगा, क्योंकि गुड़िया लाने वाले पापा अब तस्वीरों और यादों के सिवा कभी सामने नहीं आएंगे। तुम्हारी गुड़िया तुम्हारी तस्वीर हाथों में लेकर रो रही है, इसके आंसू कौन पोंछेगा, इसकी जिद कौन पूरी करेगा, इसके सपनों में रंग कौन भरेगा, कौन इसे डोली में विदा करेगा। आज तो बेटी के सामने ही पिता की हमेशा के लिए विदाई हो रही है। बेटियों की आंखों में आंसू तो है, लेकिन पिता की शहादत पर नाज भी है। मेरे पापा देश के शहीद हैं, मेनू उन्हां ते बहुत माण है। बेटियों की आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन आंखों से बहता ही समंदर अब ज्वालामुखी बन चुका है। बहादुर पापा की लाडली दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हुंकार भर रही है। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। शहीद परमजीत सिंह की पत्नी को मालूम है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद अब सलामत नहीं है, मगर उनकी नम आंखों में गुस्से की आग जल रही है। वो अपने पति के सिर के बदले पाकिस्तानी सैनिकों के 10 सिर मांग रही है। उन्होंने कहा सी एक सिर लेने के 10 सिर ले आवांगे, सानू 10 सिर ले आके देने चाहिए। शहीद प्रेम सागर की बेटी पिता की शहादत पर सदमे में है, लेकिन दिल का दर्द जुबान पर कुछ इस तरह सामने आ रहा है। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान को उसकी हैवानियत का सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों के परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों के सिर चाहिए। 10 सिर से 25 सिर काट करके लाया जाए। शहीदों को देश का हर शख्स सलाम कर रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तान के लोगों ने तय किया है कि अपने सैनिकों की शहादत पर सिर झुकने की बजाय दुश्मनों के सिर काट कर लाए जाए। सीधा अटैक करें, जो बाद में होएगा होएगा, लेकिन सीधा अटैक करें और बदला लें। जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी में 1 मई की सुबह जो कुछ हुआ उसका असर अब पाकिस्तान पर भी दिखना चाहिए। शहीद तो अपने वतन की हिफाजत करते हुए कुर्बान हो गए, लेकिन जिन्होंने अपना बेटा, पति, पिता या भाई खोया है वो सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जवाब नहीं दे सकती, हिंदुस्तान की सरकार आर्मी नु, साड़ी आर्मी नु खोल देता जावे, साड़ी आर्मी बद्दी हुई है। आंखों में आंसुओं का सैलाब, दिल में गम और गुस्सा, अपनों को खोने का दर्द तो शहादत पर नाज भी है, मगर शहीदों के बच्चों के साथ साथ हिंदुस्तान ने ये फैसला किया है कि अब रोएंगे नहीं बल्कि दुश्मनों को रुलाएंगे। तरन तारण से राजन गोसाई और देवरिया से त्रिपुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के तरन तारण के शहीद परमजीत सिंह का बेटा, दोनों बेटियां और पत्नी को इंतजार था कि इस बार नए आशियाने का अधूरा काम पूरा हो जाएगा, परमजीत आएंगे, पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट करेगा। लेकिन नए घर में परमजीत इस कदर आए कि बस रुलाते रह गए।
पंजाब के तरन तारण से लेकर यूपी के देवरिया तक शहादत पर देश आंसू बहा रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की हैवानियत से पूरे देश का खून उबल रहा है। पंजाब के तरन तारण में शहीद परमजीत का परिवार गमगीन, तो यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार में मातम। इन दोनों ही जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना के सीज फायर तोड़ने पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी कुर्बानी दी। दो के परिवार वालों के आंसू तो सबको देखते हैं और शहादत पर देशभक्ति के नारे भी खूब लगाए जाते हैं। मगर शहीदों के परिवार वालों के दिल में जो दर्द सांस लेता है उसे सुनने के लिए हौसला चाहिए, क्योंकि परमजीत सिंह एक जांबाज सैनिक के अलावा पिता भी थे, पति भी थे, माता पिता के लिए सबसे मेहनतकश बेटे भी थे। मगर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। साडा जो भाई शहीद होया है ते वो तो हमारा भरा था, पर आज जो एक हिंदुस्तान का जवान भी शहीद हुआ, भाई से बदकर, जब को भाई तो होता है घर में, जदो आर्मी में चले गया वो हिंदुस्तान का जवान सी, वो आज एक हिंदुस्तान का जवान शहीद होया। और शहीद किया किस तरह गया, उसनु शहीद साड़ी धरती ते दुश्मन ने आके शहीद किया, फिर उन्हों का सीस भी कट के जिहड़ा दुश्मन वापस अपने देश लै गया। असी तो की कहिए जी, वेखो इसनू शहीदी ते माण है, पर दुख बहुत ज़्यादा। अज जिस तरह वो शहीद का अंतम संस्कार कर लग्या, उहदा सानू सीस नहीं नज़र आया, उहदा असी चेहरा नहीं तक सके, सानू बहुत ज़्यादा दुख है। अनु बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ नू असी बर्दाश्त तो बहर हो गए सी। पंजाब के तरन तारण में वेईपुई गांव में रहने वाला परिवार उनकी 2 महीने की छुट्टी की राह देख रहा था। परमजीत ने एक एक पैसा जोड़कर नया घर बनवाया था। बाहर का सारा काम हो चुका था, सिर्फ इंटीरियर का काम अधूरा था। सेना की 22 सिख इन्फेंट्री के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और उनके परिवार ने इस आशियाने को सजाने के जो सपने देखे थे वो यूं बिखर कर आंसुओं में तब्दील हो जाएंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। देश वास्ते सहत दित्ती, पर सानू ते लभना नहीं, बच्चों भी बाप नहीं मिलना, हुण देश नू ते सब कुछ मिल जाएगा। सुपने नाल लैके चल गए, उम्मीदां नाल लैके चल गए। उन्होंने कहा सी एक सिर लवां लैण के 10 सिर लियावांगे, सानू 10 सिर लिया के देने चाहिए। परमजीत सिंह को इस बार 10 मई को घर आना था, छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। इस बार छुट्टियों में वो सारा काम करवा कर परिवार के साथ इसमें शिफ्ट होने वाले थे, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। वो इस बार नए वाले घर में आए, लेकिन इस कदर खामोश रहे कि सबको रुलाते रहे। चाहकर भी वो अपने घर को ना तो देख सके और ना ही संवार सके। जिस मेहनत और लगन के साथ उन्होंने इस घर को बनवाया था, उनके जज्बातों का सम्मान करते हुए पार्थिव शरीर को नए वाले घर में कुछ देर के लिए लाया गया। यहाँ परिवार के लोग उनके पार्थिव शरीर को देखकर आंसू बहाते रहे। जब भर्ती करते हो 1 इंच तो जवान नो तुसी, कुछ सेंटीमीटर तो जवान नो तुसी कट देंदे हो, इहदा कद नहीं पूरा, ते जब अज परिवार नो तुसा 1 फुट जवान कट दिता वा, असी अज किस तरह मनीए कि साडा जिहड़ा जवान आ, सानू दसो ना अज जदों जवान साडा पूरा क्यों नहीं सानू दिता गया। पिता की शहादत पर बेटे की आंखों में आंसुओं का सैलाब और दिल में इस कदर सदमा है कि शब्द ही नहीं निकल रहे। शहीद परमजीत की बेटी को अच्छी तरह मालूम है कि अब पापा उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई जिद पूरी नहीं करेंगे। शायद इसीलिए वो अपने पापा को याद करके रो रही है। मेरे पापा देश के शहीद है, मेनू उन्हां ते बहुत माण। शहीद परमजीत का सिर पाकिस्तानी सैनिक काट ले गए हैं,
इस बात से बेहद नाराज पत्नी ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, मगर सेना के अफसरों और परिवार वालों के समझाने पर उन्हें मानना पड़ा। लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए, पाकिस्तानी सैनिकों का सिर। राजन गोसाई, जी मीडिया, तरनतारन। और सीली तो ये पूरा देश परिवार वालों के साथ है और यही मांग कर रहा है कि अब रोएंगे नहीं, अब रुलाएंगे। यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर की दोनों बेटियों ने पिता की शहादत की खबर पर अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। उन्होंने बल्कि सरकार से गुजारिश की, दोनों बेटियां चाहती है कि उनके पिता के सर के बदले एक दो नहीं बल्कि 50 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर काट कर लाए जाए। सरहद पर अपने जाबाजों को कब तक हम यूं ही शहीद होने देंगे? पिता की शहादत पर आंसुओं से भरी आंखों में यही सवाल लेकर बेटी देश की सरकार से कुछ मांग रही है। वो पाकिस्तान के उन बुजदिल सैनिकों को सबक सिखाना चाहती है। शहीद प्रेम सागर की बेटी देश के दुश्मनों का वही अंजाम देखना चाहती है जैसा धोखे से उसके पिता के साथ हुआ। पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। बीएसएफ की 200वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बेटियां पिता के गम में बेहाल हैं। जिन लोगों ने इन बेटियों के बहादुर पिता के साथ हैवानियत की है, उन्हें ये दुनिया की सबसे सख्त सजा देना चाहती है। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए।